में 239 भी रैंक प्राप्त की है। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और सेकंड मेंस था। इस प्रयास में मैंने 239 भी रैंक अर्जित की है और मेरी सफलता में मेरे परिवार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कि विशेष तौर पर मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा मेरी सफलता में मेरे मामा जी का भी बहुत योगदान है, मेरी मौसी और अंकल जी ने भी काफ़ी सहयोग किया है और मैं अपने दोस्तों और गुरुजनों का भी आभारी हूँ। और बाकी मैं जूनियर्स को या जो एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि यार एग्ज़ाम टफ है, सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है। और कोचिंग भी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें तभी आप एग्ज़ाम निकालें, क्योंकि मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं अफोर्ड कर पाऊँ इतनी महंगी कोचिंग, तो मैंने सेल्फ ही स्टडी की थी, मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। सिर्फ ऑप्शनल के लिए मैंने कोचिंग की थी, बाकी मोस्टली सेल्फ स्टडी की थी। और आंसर राइटिंग के लिए मैंने एक दृष्टि कोचिंग है उसकी मेंटरशिप ज्वाइन की थी। तो मेरा मैसेज यही है कि भाई आप अपनी सेल्फ स्टडी पर रिलाई कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट का, जैसे इंटरनेट इतना पॉपुलर है ही, तो इंटरनेट पर काफ़ी सोर्सेज हैं, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। और अपनी मेहनत में ईमानदारी रखें, अपनी प्रोसेस में ऑनेस्टी रखें, परसीवरेंस रखें। एग्ज़ाम टफ है, लेंदी प्रोसेस है, तो परसीवरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अपने माता पिता और दोस्तों का सहयोग लेते रहें और उनकी हेल्प लेते रहें, उनके साथ बात। बस ये महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है कि आज यहाँ तक आए गए हम। आपके घर की कंडीशन कैसी है? मैं देख रहा हूँ कि इधर आपका छप्पड़ पड़ा हुआ है। हाँ, छप्पड़ पड़ा हुआ है, बारिश हो तो हम बड़े परेशान हैं। अभी आप चूल्हा चला रही थी माता जी? हाँ। तो क्यों, क्या वजह है कि आप चूल्हा चला रही हैं? घर में गैस नहीं है? गैस नहीं है, भरी हुई नहीं है, पैसा की परेशानी है। पैसे की वजह से गैस भी? हाँ। इतनी तंगी के हालात में आपके बेटे ने पढ़ाई की, कुछ बात बताइए किस तरीके से पढ़ते थे? वैसे ऐसे ही पढ़ते थे, हम भी ऐसी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और क्या किसान है आदमी है, हम क्या कर सके, बस इतनी हमने मेहनत मजदूरी करके हम यहाँ तक लाए। क्या बारिश के मौसम में भी आप इसी छप्पड़ के नीचे? हाँ, इसी छप्पड़ के नीचे खाना बना रहे हैं। पवन भी यही पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। क्या दिनचर्या थी पवन की, कुछ बताइए? क्या दिनचर्या थी, कैसे पढ़ते थे? बस ऐसे ही पढ़ते थे, का नाम है, अपने शांति माहौल में और अपनों शांति रखे घर में, वो पढ़ता रहता था। आपके यहाँ इन्वर्टर भी नहीं है? ना, कुछ नहीं है। तो फिर कैसे पढ़ाई करते थे? मोबाइल से ऐसे ही पढ़ाई करते।